इसको डिस्कस करते हैं। अगर आप पहले छोटी सी क्लास मार लें उसके बाद आना जाया ना हो आपको होगा किसी का। डैनियल तुम्हारा स्टेटस क्या है? फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट है? फर्स्ट सेमेस्टर हाफ में लगा था और फोटोशॉप के हाफ में छोड़ दिया, लेकिन स्टार्ट से करना सर प्रैक्टिस ही नहीं की। दोबारा केस पे तुम वकार से डिस्कस करो फिर आना, फिर करते हैं तुम नाम से डिस्कस तुमसे। ठीक है जी, हमारे पास एक ही गाना बचता है, हम वही गाना उठाएंगे, मजबूरी हमारी। क्या भाई ये वाला गाना चला सकते हो आप? और कोई गाना नहीं चलाएंगे आप। अमाल अच्छे करो, लास्ट क्लास में हमने कुछ इफेक्ट्स देखे थे, उम्मीद है घर पे जाके दोबारा देखने की तौफीक तो हुई नहीं होगी। चैनल चैनल क्या होता है भाई? हाँ क्या होता है चैनल? कौन कौन से? और यहाँ हमारे पास कौन से यूज होते हैं? आरजीबी यूज होते हैं, सिर्फ आरजीबी यूज होते हैं हमारे पास। हाँ यार कुछ बड़ा करना है इसमें, मतलब कुछ ये सही है, तो साफ कर दो एक कपड़ा कपड़ा मार दो। तुम अभी और आगे हो, इधर इधर आ गया हो, आ गया हो, आ गया हो, बस सही है बेहतरीन। ये वो ये तो वहाँ तक पहुँच जाएगा आराम से, नहीं नहीं दानियाल तक जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी इस पर बात करते हैं। चैनल्स आपके पास तीन तो यही होते हैं जो आरजीबी होते हैं, और आपके पास डिजिटल मीडिया के अंदर में आफ्टर इफेक्ट्स में भी एनिमेशन में भी सब जगह पर एक चैनल और होता है जिसको हम कहते हैं अल्फा। अल्फा क्या होता है? कैटेगरी बता रही हूँ तुम अल्फा की। अल्फा क्या होता है? दो टाइप्स हो गए ना, वो दो टाइप्स क्या होती है अल्फा की पता है? मेनली जिस तरह हमारे पास एक टेक्निक है क्रोमा की, क्रोमा मालूम है? ये कीन कहलाती है, क्रोमा की जो टेक्निक होती है कीन, के ई वाई आई एन जी कीन। अल्फा हमारे पास क्या होता है? अल्फा हमारे पास ये है दो टाइप इसकी, स्ट्रेट और प्री मल्टीप्लाई। और ब्लैक एंड व्हाइट का चैनल है ये, मैं दो ही कलर होते हैं, या तो चीज़ काली होगी या सफ़ेद। ब्लैक का मतलब है ब्लैक का मतलब है तेरे घुटने पे मारूंगा ताकि तेरे अकल में कुछ आए बात, ये टखने पे मारना चाहिए। अपनी बात बोलकर फिर तुमने गलत कर दी। तुमने क्या बताया था अल्फा में? अच्छा वो अल्फा की बात करते हुए ब्लैक और व्हाइट की बात कर रहा हूँ,
इसका क्या मतलब है? ब्लैक का मतलब है कि आपका डिस्प्ले ऑफ, वाइट का मतलब है वो चीज़ डिस्प्ले ऑन। फोटोशॉप में क्या था नहीं क्या था अल्फा? लेयर मास्क में भी यही टेक्निक होती है, बट अल्फा चैनल है पूरा फोटोशॉप में, अल्फा का चैनल बनाकर। ये काम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब आफ्टर इफेक्ट में आपको ये ज़रूरत पड़ेगी अल्फा चैनल बनाने की। इसी तरीके से आपको एनिमेशन बनाएंगे तो वो भी आपको अल्फा के साथ निकालनी होगी। फोटोशॉप में तो आप PNG निकालते थे ना, वीडियो को PNG नहीं निकलती ठीक है। तो वीडियो को अगर आप रेंडर करना है तो किस में रेंडर करेंगे? उसको अल्फा के साथ रेंडर करें ताकि जितना एरिया कवर्ड है सिर्फ वो डिस्प्ले और बाकी एरिया ट्रांसपेरेंट हो, ताकि किसी भी वीडियो पे लाकर वो लोगो एनिमेट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है वो आप उस पर लगा सकें। तो अल्फा इसलिए ज़रूरी होता है। ब्लैक का मतलब है कलर नहीं है, दिखेगा नहीं। वाइट का मतलब है दिखेगी चीज़, पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस आपका। कि स्ट्रेट का मतलब ये होता है प्योर ब्लैक प्योर वाइट। यानी इसमें से जितना हिस्सा पूरा ब्लैक होगा वो गायब होगा, जितना हिस्सा पूरा वाइट होगा वो दिखेगा। ये बगैर ओपेसिटी के 100% विजुअल या हिडन के साथ होगा आपके पास। जितना भी है वो जितना वाइट एरिया है वो परफेक्टली दिखेगा और जितना ब्लैक है वो बिल्कुल कम्प्लीटली गायब होगा। और प्री मल्टीप्लाइड काम करता है, साफ छुपते भी नहीं और दिखाई देते भी नहीं, सेमी ट्रांसपेरेंट। यानी ग्रे होगा ब्लैक, ब्लैक और वाइट, प्योर ब्लैक और प्योर वाइट की जगह पे क्या हो जाता है, यानी वाइट वाइट हो सकता है प्योर हो लेकिन ब्लैक में आपके पास क्या हो जाएगा, ग्रे हो जाता है। तो कुछ ना कुछ झलकेगा, वो जितना ग्रे होगा उस परसेंटेज के हिसाब से वो बैकग्राउंड झलक रहा होगा। क्लियर है? इस तरह यहाँ आपके पास चैनल्स के साथ खेलने के लिए इन्होंने कुछ इफेक्ट्स दिए हुए हैं। इसमें से एक इफेक्ट आपके पास है कैलकुलेशन, एक आपके पास वही ब्लेंड जो आप ब्लेंड करवाते हैं, ब्लेंडिंग मोड्स वगैरह जितने थे आपके ठीक है, इन्वर्ट और सेट मैट वगैरह, इसको मैं बाद में बताऊंगा। सेट मैट, मैट बेसिकली यही होता है कि आप ब्लैक और वाइट बनाकर लाओगे और उसको सेट करवाओगे, ट्रैक मैट और सेट मैट ठीक है। कैलकुलेशन फोटोशॉप में गुजरा है, पता है कुछ? कैलकुलेशन जी, कोई एक बंदा खुदा का जिसको मालूम हो कैलकुलेशन, फोटोशॉप में है ऑप्शन या नहीं, पहले तो ये बताओ। कैलकुलेशन उठाया मैंने और उस पर लगा दिया, यहाँ लगाने के बाद यहाँ हमारे पास आ गया, कुछ ना कुछ तो आ गया। कैलकुलेशन में आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि आप दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में चैनल के लिहाज से ब्लेंड करवा दें। दो आपने इमेज रखे हुए ना, तो एक का एक चैनल ले लिया आपने, रेड ले लिया, दूसरे का ग्रीन ले लिया और उसको आपने आपस में ब्लेंड करा दिया, तो सिर्फ उस दोनों वीडियो के ग्रीन और रेड का ब्लेंड करके जो नतीजा निकलेगा वो दिखाएगा। यहाँ से आया इसे हमने ले लिया रेड और यहाँ से हमने इसका ले लिया ग्रीन और ये आपके पास ब्लेंडिंग मोड्स। हो गया भाई, ओके फर्क नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? प्रकार है ना, ये करने के बाद यहाँ से जो इसका लेयर का जो ब्लेंडिंग मोड है वो भी हम ऐड कर देते हैं।
डाल तो सर वैसा भी नहीं हो रहा यार वो होते तो पूरे होते यार मतलब नारी कैसे होंगी यार खुदा को मान वाह भाई वाह समझ में आया ये नहीं ठीक है ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे फोटोशॉप में कहीं ना कहीं आसान से सवाल पूछे से इतना मर क्यों रहा है अब आप लोगों को अगर यहाँ पे कुछ काम करना है तो वो फिल्म एंड वीडियो लेंगे फोटोशॉप से अगर प्रीमियर या आफ्टर इफेक्ट में कोई भी चीज़ लेके जानी है तो वो आप प्रीसेट में क्या सिलेक्ट करेंगे फिल्म एंड वीडियो ठीक है सेम काम यहाँ पे हो जाएगा अगर आपको इसको मैं दिखाऊँ जैसे आपको के इसको इफेक्ट को किया ऑफ एक्सपोर्ट फेब ये फ्रेम है मेरे पास कंट्रोल जे डुप्लीकेट किया इसको इमेज कैलकुलेशन हमने वहां पर कौन सा अप्लाई किया इसमें मल्टीप्लाई ठीक है सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है ये कैलकुलेशन चाहिए एडजस्टमेंट चाहिए नॉर्मली जब आपको दो अलग अलग एनवायरनमेंट की चीज़ें लेकर आ रहे हैं ठीक है तो अब आपको देखना होता है कि किस एनवायरनमेंट में कौन सा कलर का चैनल डोमिनेट कर रहा है तो फिर आपको वो चैनल एडजस्ट कराना था जैसे इमेज का ओवरऑल इम्प्रेशन ये है कि वो ग्रीननेस की तरफ जा रहा है इसका मतलब क्या है उसका ग्रीन चैनल डोमिनेटिंग है दूसरा ऑब्जेक्ट आ रहा है उसमें ग्रीन चैनल नॉर्मल है अब आपको क्या करना पड़ेगा उसके ग्रीन चैनल को एनहेंस करना पड़ेगा वो खेल रहा है बिल्कुल बिल्कुल ये आपको जो है वो उस तरह के फीलों में काम आए यहाँ गया ठीक है कैलकुलेशन की तरह ये और भी बहुत सारे हैं जो आपको एक एक करके खुद देखना है जो नहीं आए समझ में वो पूछना है पूछेंगे तो बता दूंगा नहीं पूछेंगे तो नहीं बता ठीक है ताकि आप लोग एक एक इफेक्ट के साथ जो है वो बताते जाए क्योंकि अगर मैं एक एक करवाने जाऊँगा सारे मुमकिन नहीं होगा क्रोमा नहीं है यूज़ नहीं क्रोमा यूज़ हो भाई मिसाल के तौर पे तुम एक फ्रेम जो है वो पीछे बैकग्राउंड में कुछ इमेज लगा रहे हो जो बिल्डिंग्स ठीक है आगे तुम्हारी कोई भी वीडियो चल रही है अब वो जो पीछे बैकग्राउंड की वीडियोज़ में से इमेजेस है या वो वीडियो के अंदर में वो एक पोर्शन है जहाँ पे तुम तस्वीरों को सेट कर रहे हो उनकी तो कलर करेक्शन करनी है ना तुम्हें तो कलर करेक्शन में बाद अगर चैनल के जरिए कलर करेक्शन करनी होती है तो उसका तरीकेकार ये है आपको ओवरऑल इमेज के अंदर में से फिर क्या होता है ये देखना होता है कि यार कौन से कलर की डोमिनेंस या कौन सा कलर कम है उसके वो सके जैसे अगर आप अंडर वाटर जाते हैं अंडर वाटर जाएंगे तो सबसे पहले आपके पास जो आपका कैमरा कलर कैप्चर करना छोड़ देता है वो होता है रेड ठीक है जैसे आप नीचे उतरेंगे ना तो रेड कलर जाएगा
वो सिर्फ ग्रीन और ब्लू चैनल के साथ कलर तस्वीर को खींच रहा होता है आपका, और आप फिर थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो फिर ब्लू भी चले जाता है, सिर्फ ग्रीन रह जाता है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, वो जब नीचे जब उतरते हैं अंडर वाटर वाले, वो फिर जेल लगाते हैं, ठीक है, वो जैसे नीचे उतरते हैं वो रेड और ब्लू उस दोनों की जेल लगा देते हैं आगे, ताकि जब भी जो ग्रीन कलर कैप्चर हो रहा है वो रेड और ब्लू के साथ होता हुआ है, जब वो होता हुआ आएगा तो ओरिजिनल कलर आ जाएगा। तो ये इसलिए करके चैनल के साथ खेलना थोड़ा सा मुश्किल काम है, इसमें कुछ मतलब जो है ना शक की बात नहीं है, लेकिन चैनल के साथ कलर करेक्शन वगैरह बहुत अच्छी तमीज से होती है, क्योंकि तो जब आपका ताल्लुक है ना वो सब्जेक्ट और इमेज और ख़त्म हो जाता है, वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो अब आप जैसे ही होंगे तो फिर पूरी इमेज में जहाँ जहाँ ये चीज़ें होंगी वो सब चीज़ें रिलेटेड रहेंगी। कलर करेक्शन में ब्राइट एंड कंट्रास्ट बताने वाली बात नहीं है कि ब्राइट एंड कंट्रास्ट क्या चीज़ होती है, ठीक है। वैसे तो तुम लोगों को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग कुछ समझदार हो सारे, ठीक है। तो इससे मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट सॉफ्टवेयर स्टार्ट करूँ। हाँ ये बात भी सही है तुम्हारी, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, राइट क्लिक कॉपी, जाएँ और पेस्ट करें, जैसे आपके पास फोटो में भी लेयर में ले कॉपी लेयर स्टाइल में सेम वही चीज़ है। किस लिहाज से स्मूथ चाह रहा हूँ, तो कलरिंग स्मूथ वगैरह हो जाए ये ऑटोमेशन के ऊपर कोई चीज़ नहीं है। वीडियो के अंदर में या वीडियो की दुनिया के अंदर में जो सबसे बुनियादी जो मसला है ना वो यही है कि यहाँ अगर आपको कलर करेक्शन करनी तो हो सकता है बाद पूरी एक एक फ्रेम पे करनी पड़े। एक एक फ्रेम का मतलब क्या है, एक सेकेंड में 25 या 30 फ्रेम है, ठीक है ना। और आपकी अगर 2 घंटे की मूवी है उधर लगा लो, या आपका आधे घंटे का सीन है या 10 मिनट का सीन, 10 मिनट का भी सीन है तो सेकंड में कन्वर्ट करो 10 मिनट को, तो कितने हो जाएंगे 60 यानी 600 तो आपकी हो गए सीधे सीधे फ्रेम्स सेकंड्स हो गए 600 सेकंड, और 600 सेकंड को मल्टीप्लाई कर लो 25 से, ये तकरीबन आपके हो जाएंगे ये 15,000 फ्रेम। तो 15,000 फ्रेम के ऊपर काम करना पड़ता है, डिपेंड करता है बाज़ दफ़ा कि आपको ये करना पड़ता है, लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ पाकिस्तान में नहीं होती, ठीक है। पाकिस्तान ही टेंशन नहीं पालता ऐसी चीज़, सिर्फ उन्होंने इसमें बड़ी मदद की ये जो फिल्म आई थी एक्टर इन लॉ अगर देखिए, येलो लाइट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और लाइट का मेन जो पाकिस्तानियों का मेन मसला है ना वो ये है कि प्रॉपर उसको ये ना डिफ्यूज नहीं करते। अब आप हॉलीवुड का ड्रामा देख लो ना कलर करेक्शन के लिहाज से, और हमारा ड्रामा देख लो जमीन आसमान का, समय हम लोग तो भाई ये कि हमें तो एक लाइट की टेक्निक बताया, जैसे तो बंदा खड़ा हुआ है ना दो लाइट वहाँ पीछे, एक लाइट पीछे लगानी है इसके, दो लाइट आगे लगानी है, और इसके बाद इसको तस्वीर को लेना है, थोड़ा सा और आगे होगा तो थोड़ा सा लाइटों को आगे कर देंगे, मतलब ये एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। वो प्रीसेट्स के ऊपर चल रहे हैं हमारे लोग जो है, जिसको जो जहाँ से देख लिया या सीख लिया ना वो बस उसी उसके नज़दीक लाइटिंग यही है। मूवी का इन्वायरमेंट, सब्जेक्ट, सीन की रिक्वायरमेंट, उसके लिहाज से लाइट कैसे चेंज करनी है, इसमें मूवी पूछ इंडिया हमसे बेहतर है। नहीं इंडिया नहीं जाना पड़ेगा आपको, ये आप यहाँ पे रहकर भी चीज़ें स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ेंगी भाई, मसला ही है, सीधी सी बात ये है। आप लाइटिंग के ऊपर, पूरी लाइटिंग के ऊपर आपको क्लासेस मिल जाएंगे यूट्यूब, आपके पास वो जो चीज़ है कि सब चीज़ें मौजूद आपके पास,
सिचुएशन बंदा क्यों आता है कि वो बंदा यूट्यूब से उठ के पढ़ नहीं सकता, टाइम नहीं निकाल पाता ना, बोले यार पढ़ लेंगे देख लेंगे। अनटिल अनलेस कि हमें कोई चीज़ अर्जेंटली जरूरत होती है तब हम यूट्यूब खोलते हैं, हमें पता है ना कि अब गुजारा नहीं है इसके बगैर, तब हम यूट्यूब से खोलेंगे और देखेंगे उसको सोल्यूशन निकाल लेंगे। अदरवाइज यार हम इंस्टीट्यूट चले ही सीधे सारे, हमारा इंस्टीट्यूट बंद हो जाए, पूरी दुनिया में इसीलिए चल रहा है, पाकिस्तानियों की नहीं बात है, गोरों का भी उनका भी सबका ही आ रहा है। मैं मिसाल के तौर पर तुमसे कहा जाए तुमने रोज़ाना 2 घंटे निकालने हैं और 2 घंटे जो है यूट्यूब का चैनल देखना है, सवाल है जो एक हफ्ते से ज़्यादा कर सको भाई। यार देखो मोहसिन की जगह पे तुम्हें हमने नई हायरिंग तो दे दी थी, आज तुमने उसकी अमली सबूत भी दे दिया है। यार ये देखना हम पाकिस्तानी इसलिए तो पीछे हैं, अपना काम खुद नहीं करते। ठीक है अच्छा, चेंज टू कलर में आपने देखा क्या हुआ? ये यहाँ से वीडियो में से कोई भी कलर पिक करवाया आप साफ कर देगा, साफ कर देगा, वाइट कर देगा जनाब। यार लुक कब नहीं आ जाएगा इसमें, माफ कर दिया एक लाना आज टिस्ली भी खाना पड़ रहा है, पसीदा आया हूँ यार, बस क्या करें यार। ठीक है दूसरा ये इसमें भी कोई ऑप्शन मौजूद है मास्क वाला, मास्क बनाओ और स्पेसिफिक एरिया को परसेप्ट कर लो तो सिर्फ उसी एरिया पे इफेक्ट नज़र आएगा, बाकी जो भी नज़र बिल्कुल है लास्ट क्लास में बता दिया हमने सारा, ये रहा पूरा ब्लर एंड शार्पनेस। हाँ देखो ये जो चीज़ काम कर रहा है ना, इसका लफ्ज क्या दिया हुआ था, ये जो चेंज टू कलर कह रहा है, ये कलर इसको पूरी वीडियो में जहाँ मिलेगा उसको चेंज कर देगा। मैं तुम्हें यही तो बोल रहा हूँ, देखो बात ये है कि जो कलर पिक करोगे इस बेसिक चीज़ को समझो, ये क्या है ना तुम कह रहे हो पीछे वाला ना गए ना, उसका तरीकेकार क्या बताया अभी मैंने, तो अगले फ्रेम पे आपको सेट करना पड़ेगा मास्क को, आफ्टर इफेक्ट्स में भी नहीं करेगा, आफ्टर इफेक्ट्स में भी उसको रोटोस्कोपी कहलाता है, वो रोटो ब्रश या रोटोस्कोपी कहलाता है, वो पूरे उस पर रहता ज़रूर है लेकिन उसमें आपको हर फ्रेम पे सेट करना पड़ता है उसको, फिर भी करवाना पड़ता है वो कार। कब तो सही जरा क्लियर है? ठीक है चेंज टू कलर, चैनल मिक्सर ये भी आपके पास इफेक्ट्स में आया था अगर याद हो, आफ्टर इफेक्ट्स में फोटोशॉप में क्या काम करता था? बताओ बताओ भाई हारिस बताओ, इसे तो फोटोशॉप ही नहीं पड़ा हमारे पास, अरे सेकंड सेमेस्टर से
मतलब सोच के तो बंदा फंसवाओ तुम लोग भी। हाँ मेनली ये सिंपल सा वही काम है कि तीनों चैनल दे दिया आपको, रेड भी दे दिया, ग्रीन भी दे दिया, ब्लू भी दे दिया, ये अब उस चैनल को में से आपके हर एक के तीनों दे दिए, बस हर कलर के जो तीन चैनल होंगे उन तीन चैनल दिए, रेड में जो तीन चैनल है वो चैनल दे दिए, ग्रीन में जो तीन चैनल है वो दे दिए, ब्लू में जो तीन चैनल है, तीन या चार जो चैनल है वो दे दिए, ठीक है ना। वो आपको देकर इसके बाद इसने क्या काम किया, एडजस्टमेंट कर सकते हैं वही। अगर आप अब बात ये कि वो ये भी ये कर रहा है, पीछे वाला ऑप्शन ये कर रहा था, मल्टीपल ऑप्शन दे दिए, जिस तरह फोटोशॉप में भी आपके पास होता है, ठीक है। सिलेक्शन के लिए जो है वो 16 टूल ले दिए। तो अब आपको क्या है, जैसा ज़रूरत है किस वक्त कौन सा वाला इफेक्ट आसानी से काम करेगा वो यूटिलाइज करना है, ठीक है। कलर बैलेंस और कलर बैलेंस HLS दोनों एक ही काम करते हैं। कलर बैलेंस पता ही आपको क्या काम करता है, कलर बैलेंस वाह जवाब नहीं दे सकते किसी उम्दा कोई। कलर बैलेंस आपके पास फोटोशॉप में भी तीन ही चीज़ें देता है आपको, ह्यू, सेचुरेशन और ब्राइटनेस के लिए, लुमिनेंस के लिए, लाइटनेस के लिए, वैल्यू के लिए एक ही बात होती है तकरीबन, ठीक है। ह्यू चेंज करेंगे तो ओवरऑल जितने कलर्स हैं उनका ह्यू चेंज करेगा, सेचुरेशन में चेंज करेंगे तो उन कलर्स की, ये तो कलर लाइटनेस है, कि इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा करेगा तमाम कलर्स की, ठीक है। तो ये भी हमें डिपेंड करता है कि क्या पोजीशन है, मुख्तलिफ इमेजेस होंगी, कुछ शूट करोगे तो फिर तुम लोगों के लिए ज़रा ज़्यादा आसान होगा। कल टाइम दे दिया बोल तुमने, सुबह 8 बजे सेंटर पर आ जाए, ना नहीं मुझे कुछ मुझे इतना घंटिया मार देना सारे। इक्वलाइज ये वही जो नॉर्मल है आपके पास फोटोशॉप स्टाइल लिखा हुआ भी दे दिया, ऑटो एडजस्टमेंट करेगा, ब्राइटनेस करनी है RGB सबसे कह सकते हैं। अब आपके डिपेंड करता है ना आपको क्या करना है और क्या करना है। लीफ कलर भाई कटिंग किस लिए है यार, टुकड़े में चाहिए उतना टुकड़ा रखो ना यार, बाकी सब कुछ सजाए वो साफ कर, ठीक है। टिंट वगैरह है वो वही काम है जो आपके पास, कोई भी कलर ऐड कर देगा वीडियो के अंदर। ठीक है जी, कलर करेक्शन, डिस्टोर्ट, डिस्टोर्ट में आपके पास सारे वो ऑप्शन है जो आपने फोटोशॉप पे खेले थे बच्चों वाले ऑप्शन, ठीक है। और इसको एनिमेट कर सकते हो आप, ये ऐसे होते हुए कैसे जा रही है, ये सारी कीज़ दी हुई, घंटी लगा दें, कीज़ बनाएं और सारी चीज़ें करें।
टिंट टिंट होता क्या पहले तो ये बताओ, तीन चीज़ें होती है टिंट, टोन और शेड, ये क्या चीज़ होती है, कौन से शेड क्या होता है, ब्लैक की तरफ जा रहा होता है या ब्लैक होता है, यही मैं बोल रहा था टायर को, टिंट आपके पास ये होता है कि जब आप ह्यू के साथ यानी इमेज में जो भी कलर है ह्यू है उसके साथ आप वाइट कलर ऐड कर देते हैं वो टिंट बन जाता है। अच्छा टोन में आपके पास क्या होता है, आप ग्रे कलर ऐड करेंगे तो वही कलर टोन बन जाएगा, स्टार्ट हाँ तू हाँ तू कहाँ है, चले पूछ लेते हैं ले आते हैं किसी ना किसी को, गुड इंशाल्लाह करते बच्चों, ये टेंट्स जितना परसेंटेज के साथ व्हाइट मिलता रहता है उतना टिंट बन जाता है शीट्स में, देखा ना कलर के 100% रेड है वो ह्यू कहलाता है आपके पास, उसमें जहाँ वाइटनेस ऐड होती जाती है वो टिंट बनता जाता है उसका, जहाँ उसमें ब्लैकनेस ऐड की जाती है वो उसका शेड बन जाता है, और ब्लैक और वाइट की बजाय ग्रे अगर ऐड किया जा रहा होता है तो वो कलर जो थोड़ा सा भड्डा सा जो होता है ना डिम सा डल सा वो कलर आपका जो है वो टोन बन जाता है, वो भी यही गेम है, सारा गेम यही होता है, ठीक है। लेकिन टिंट हमारे पास क्या होता है, हम वाइट कलर या कोई भी एक कलर आप ऐड कर दें, ठीक है, ये मतलब वैसे वाइट कलर कहलाता है ऐड करना, लेकिन चूंकि हमारे पास कंप्यूटर की दुनिया है हमें सिर्फ वाइट नहीं कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं, तो फोटोशॉप में भी आपके पास ऑप्शन है टिंट का और ये वो यहाँ पे भी यही ऑप्शन है, आपने पूरी वीडियो के अंदर में अगर कोई एक कलर डोमिनेट करवाना ऊपर ओवरऑल उसके ऊपर एक कलर का इम्पैक्ट देना है तो फिर आप जो टिंट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है डाल दो थोड़ी किसी और को दे दो काम कोई और पी लेगा ना, ठीक है जी। कॉर्नर पिन समझ में आया या नहीं, लेंस डिस्टॉर्शन ये वही लेंस करेक्शन वाला काम है फोटोशॉप वाला है मेरे पास, नहीं मैं भर भर के नहीं पीता हूँ भाई छोड़ दिए चाय मैंने मैग्नीफाई, तुम तो बेटा यही देखो सर तुम लोग की तबीयत के लिए और सेहत के लिए यही 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 मुनासिब बंदा है, ठीक है। मैग्नीफाई करने में आपके पास ये ऑप्शन है, बाकी इसे खेल लेना ऑप्शंस, मिरर 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 करेगा Thank you.
समझ रहे हैं। ऑफसेट, ऑफसेट का काम ऑफसेट होता है। वीडियो के अंदर में कई बार नहीं लगा था बंदे का थोड़ा सा जो है ना वो ये चीज ये हो इस तरह से थोड़ा सा धुंधला टाइप का होकर और फिर जो है वो दोबारा एक्टिव हो जाता है ये काम आप हाँ ये काम आपने करना तो ये ऑफसेट्स हो जाता है बस। तो उस ऑफसेट में क्या होता है आप उसी फ्रेम को हल्का हल्का सा थोड़ा सा आगे करते हैं पीछे करते हैं और उसको फिर दोबारा से एडजस्ट कर देते हैं। हाँ ये पर्टिकुलर जहाँ पे आप लगाएंगे ना जितना इस पर घंटी लगानी पड़ेगी इसमें घंटी लगा दी जाती है ठीक है उसके बगैर गुजारा नहीं है ऑफसेट। बस यहाँ तक रखता हूँ मैं इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास से। एक ऑप्शन है ये रैप स्टेबलाइजर, रैप स्टेबलाइजर को इस्तेमाल कर लीजिएगा इसमें से बहुत आसान होता है जब आपकी वीडियो हल्की सी शेक कर रही होती है उस पर लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली एनालाइज करेगा और स्टेबल कर देगा। हल्का था वो जो उसी को सेट करने के लिए होता है स्टेबलाइज कर देता है स्टेबलाइजेशन कहलाती है ये ठीक है। आपको स्टेटिक कैम जो है वो एक अलग चीज़ होती है वो उसके अंदर डिफॉल्ट मौजूद होती है लेकिन आप नॉर्मल कैमरे से शूट किए और उसको स्टेबलाइज करना है तो खराब ये काम उसके यहाँ रोक रहा हूँ मैं ठीक है।